अभी तक कोई व्यवधान कहीं पर चुनाव प्रक्रिया में नहीं पड़ी है और लोग बड़ी संख्या में आकर के वोट डाल रहे हैं। तो कोई छिटपुट घटना कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। स्वागत है आपका सुनो समाचार में। लहलातपुर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत पंचायती राज चुनाव 2021 के दरमियान कुछ मतदान केंद्रों पर देर शाम तक मतदान होते रहा, जिसमें दंदासपुर और हरपुर कोठी सहित कई मतदान केंद्र शामिल रहे। क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण सारण के डीएम राजेश मीना तथा एसपी संतोष कुमार ने किया। इसी बीच हरपुर कोठी के बूथ संख्या 4 पर गोलीबारी की घटना होने की सूचना पाकर क्षेत्र में बूथों का निरीक्षण कर रहे डीएम राजेश मीना तथा एसपी संतोष कुमार तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने गोलीबारी के घटना के बारे में कोई पुष्टि नहीं की। अपने निरीक्षण के दरमियान दोनों पदाधिकारियों ने क्या कहा, वह उनके ही जुबानी सुनिए कि उन्होंने अपने निरीक्षण के बारे में क्या कहा। क्षेत्रीय खबरों से अवगत रहने के लिए सुनो समाचार चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही नहीं भूलें। धन्यवाद। ओके चार पांच बदाम खड़ा है, कहाँ कुछ हो रहा है, चिल्ला रहा है पूरा। अरे तो हम तो चार पांच बजे खड़ा है। तुम पहले आओ, तुम कहाँ पे हो, तुम आओ, कहाँ पे हो, संजय जी कहाँ हैं? ये सर तुम किधर हो, तुम कहाँ? आज जो है जनता बाजार थाना क्षेत्र बनियापुर थाना क्षेत्र और शाहजीतपुर थाना क्षेत्र और कुछ जलालपुर का भी क्षेत्र, यानी कि बनियापुर ब्लॉक और लालपुर ब्लॉक क्षेत्र में जो है चुनाव चल रहा है। अमूमन सब जगह शांतिपूर्ण चल रहा है, कहीं कहीं से कोई शिकायत आती है तो हम लोग वेरीफाई करते हैं और वहाँ जो आसपास में लोग आते हैं या कहीं से कोई भीड़ भाड़ करने की कोशिश करते हैं उनको हटा दिया जाता है। अभी तक कोई व्यवधान कहीं पर चुनाव प्रक्रिया में नहीं पड़ी है और लोग बड़ी संख्या में आकर के वोट डाल रहे हैं। तो कोई छिटपुट घटना कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। कहीं कहीं से सूचना आती है उसको वेरीफाई किया जाता है, वहाँ तुरंत हमारा टीम जाता है, QRT जाता है और वहाँ पर स्थिति तुरंत जो है सामान्य हो जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, आज आप जानते हैं कि पंचायत चुनाव के निमित्त दो प्रखंडों में आज वोटिंग चल रही है, उसी में सभी जगह पर शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, उसी को देखने के लिए हम और एसपी साहब क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और हम लोगों ने पाया है कि सभी जगह पर महिलाएं पुरुष बड़ी बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने आए हैं। धन्यवाद।